आयुर्वेद का नियम बिल्कुल सीधा है कि दाल ज्यादा देर में पकी है तो घर में भी ज्यादा देर में पके। अब मेरे समझ में आया कि हमारे पुराने लोग जो बुजुर्ग थे वो कितने बड़े वैज्ञानिक थे। मैं एक बार जगन्नाथपुरी गया था, आप भी गए होंगे, तो वहां भगवान का प्रसाद बनाते हैं तो प्रेशर कुकर में नहीं बनाते, आप जानते हैं। हालांकि वो चाहें तो प्रेशर कुकर रख सकते हैं, क्योंकि जगन्नाथपुरी के मंदिर के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है। तो मैंने मंदिर के महंत को पूछा कि ये भगवान का प्रसाद माने वहां दाल और चावल मिलता है प्रसाद के रूप में, वो मिट्टी की हांडी में क्यों बनाते हैं आप में से जो भी गए हैं जगन्नाथपुरी आप जानते हैं, वो मिट्टी की हांडी में दाल मिलती है और मिट्टी की हांडी में चावल मिलता है या खिचड़ी मिलती है, जो भी मिलता प्रसाद के रूप में। तो मैंने महंत को पूछा कि आप ये मिट्टी की हांडी में ही क्यों बनाते हैं, तो उसने एक ही वाक्य कहा, मिट्टी पवित्र होती है। तो ठीक है, पवित्र होती है ये हम सब जानते हैं, लेकिन वो जो नहीं कह पाया महंत, वो आपको मैं कहना चाहता हूं कि मिट्टी न सिर्फ पवित्र होती है बल्कि मिट्टी सबसे ज्यादा वैज्ञानिक होती है, क्योंकि हमारा शरीर मिट्टी से बना है, मिट्टी में जो कुछ है वो शरीर में है और शरीर में जो है वो मिट्टी में है। हम जब मरते हैं ना और शरीर को जला देते हैं तो 20 ग्राम मिट्टी में बदल जाता है पूरा शरीर, 70 किलो का शरीर 80 किलो का शरीर मात्र 20 ग्राम मिट्टी में बदल जाता है, जिसको राख कहते हैं। और इस राख का मैंने विश्लेषण करवाया एक लेबोरेटरी में, तो उसमें कैल्शियम निकलता है, फास्फोरस निकलता है, आयरन निकलता है, जिंक निकलता है, सल्फर निकलता है, 18 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं मरे हुए आदमी की राख में। ये सब वही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो मिट्टी में है, इन्हीं 18 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से मिट्टी बनी है, यही 18 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स शरीर में है जो मिट्टी में बदल जाता है। तो महंत का कहना कि मिट्टी पवित्र है वो बहुत वैज्ञानिक स्टेटमेंट है, बस इतना ही है कि वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एक्सप्लेन क्यों नहीं कर सकता, आधुनिक विज्ञान उसने नहीं पढ़ा या उसको मालूम नहीं है, लेकिन आधुनिक विज्ञान का रिजल्ट मालूम है, पवित्रता रिजल्ट उसे मालूम है, विश्लेषण नहीं मालूम। वो हमारे जैसे मूर्खों को मालूम है, मैं अपने को उस महंत की तुलना में मूर्ख मानता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे यह विश्लेषण करने में 3 महीने लग गए, वो बात 3 मिनट में समझा दिया कि मिट्टी पवित्र है। तो यह मिट्टी की जो पवित्रता है उसकी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी है उसमें से आई है। तो मिट्टी में दाल आई है, दाल आपने पकाई है, तो महंत कहता है कि मिट्टी पवित्र है इसलिए हम मिट्टी के बर्तन में ही दाल पकाते हैं, भगवान को पवित्र चीज ही देते हैं, अपवित्र चीज भगवान को नहीं दे सकते। अच्छा, मैं वो दाल ले आया और भुवनेश्वर लेके गया, पुरी से भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में CSIR का एक लेबोरेटरी है, काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का लेबोरेटरी है, जिसको रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी कहते हैं। तो वहां ले गया, कुछ वैज्ञानिकों से कहा यह दाल है, उन्होंने कहा हां हां यह पुरी की दाल है, मैंने कहा इसका विश्लेषण करना है, इस दाल में क्या है। तो उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है, 6-8 महीने लगेगा। मैंने कहा ठीक है फिर भी। तो उन्होंने कहा हमारे पास पूरे इंस्ट्रूमेंट नहीं है, हमारे पास जो जो चाहिए वो नहीं है, आप दिल्ली ले जाओ तो बेहतर है। तो मैंने कहा दिल्ली ले गया तो खराब तो नहीं होगी? उन्होंने कहा नहीं होगी, क्योंकि ये मिट्टी में बनी है। तो पहली बार मुझे समझ में आया मिट्टी में बनी है तो खराब नहीं होगी। तो मैं ले गया दिल्ली तक, सच में ले गया, और भुवनेश्वर से दिल्ली पहुंचने में आप जानते हैं करीब करीब 36 घंटे से ज्यादा लगता है। दिल्ली में दिया, कुछ वैज्ञानिकों ने उस पर काम किया और उनका जो रिजल्ट है, जो रिसर्च है, जो रिपोर्ट है, वो ये है कि इस दाल में एक भी माइक्रो न्यूट्रिएंट कम नहीं हुआ पकाने के बाद भी। इस दाल में एक भी माइक्रो न्यूट्रिएंट कम नहीं हुआ पकाने के बाद भी। फिर मैंने उन्हीं वैज्ञानिकों को कहा कि भैया प्रेशर कुकर की दाल का भी जरा देख लो। तो उन्होंने कहा ठीक है वो भी देख लेते हैं। तो प्रेशर कुकर की दाल को जब उन्होंने रिसर्च करके देखा तो उन्होंने कहा इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ही कम है। मैं पूछा परसेंटेज वाइज बता दो, तो उन्होंने कहा अगर अरहर की दाल को मिट्टी की हांडी में पकाओ और 100% माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं तो कुकर में पकाने में 13% ही बचते हैं, 87% नष्ट हो गए। मैं पूछा कैसे नष्ट हुए, तो उन्होंने कहा यह जो प्रेशर पड़ा है ऊपर से और इसने दाल को पकने नहीं दिया, तोड़ दिया, मॉलिक्यूल्स टूट गए हैं, तो दाल तो बिखर गई है, पकी नहीं है, बिखर गई है, सॉफ्ट हो गई है।
तो खाने में हमको ऐसा लग रहा है कि ये पका हुआ खा रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो नहीं है। पके हुए से मतलब यह होता है कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको कच्चे रूप में शरीर को उपयोग नहीं आते, उनको आप उपयोगी बना लें, इसको पका हुआ कहते हैं आयुर्वेद में। जो सूक्ष्म पोषक तत्व कच्ची अरहर की दाल खाने में शरीर को उपयोगी नहीं आएंगे, वो उपयोगी आने लायक बनाए, उसको पका हुआ कहा जाता है या कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि यह मिट्टी की हांडी की दाल बहुत बहुत क्वालिटी में ऊंची है, बशर्ते कि आपके प्रेशर कुकर की। और दूसरी बात तो आप सभी जानते हैं, वो मुझे सिर्फ रिपीट करनी है कि मिट्टी की हांडी की बनाई हुई दाल को खा लीजिए तो जो उसका स्वाद है वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे आप। इसका मतलब क्या है? भारत में चिकित्सा का और शास्त्र पाक कला का ऐसा विज्ञान विकसित हुआ है जहां क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी और स्वाद भी मेंटेन रहेगा। तो मिट्टी की हांडी में बनाई हुई दाल को खाएं तो स्वाद बहुत अच्छा है और शरीर की पोषकता उसकी इतनी जबरदस्त है कि दाल का सही खाने का मतलब उसमें है। तब मैंने गांव गांव घूमता रहता हूं तो पूछना शुरू किया, तो बोलते हैं लोग कि ज्यादा नहीं 30-40 साल पहले सब घर में मिट्टी की हांडी की दाल थी। मेरी दादी को पूछा तो दादी कहती है कि हम तो जिंदगी भर मिट्टी की दाल ही खाते रहे। तब मेरे समझ में आया कि मेरी दादी को डायबिटीज क्यों नहीं हुआ, तब मुझे समझ में आया उसको घुटने का दर्द क्यों नहीं हुआ, तब मुझे समझ में आया उसके 3200 दांत मरने के दिन तक सुरक्षित थे क्योंकि हमने उसका अंतिम संस्कार किया। अगले दिन जब राखी लेने गए तो सारे दांत उसके 32 के 32 निकले। तब मेरे समझ में आया कि 94 साल की उम्र तक मरते समय चश्मा क्यों नहीं लगा उसकी आंखों पे, और जीवन के आखिरी दिन तक अपने कपड़े खुद अपने हाथ से धोते हुए मरी थी। ये कारण है कि शरीर को आवश्यक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति अगर नियमित रूप से होती रहे तो आपका शरीर ज्यादा दिनों तक बिना किसी दूसरे की मदद के काम करता है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरा सप्लाई मिला दाल में, जो खाई थी उसने मिट्टी की हांडी में पका पका के। और न सिर्फ दाल पकाती थी वो मिट्टी की हांडी में, बल्कि दूध भी मिट्टी की हांडी में पकाती थी, घी भी मिट्टी की हांडी से ही निकालती थी, दही का मट्ठा भी मिट्टी की हांडी में ही बनता था। अब मेरे समझ में आया कि हजारों साल से मिट्टी के बर्तन क्यों इस देश में आए, हम भी एल्यूमिनियम बना सकते थे। देखिए, बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं वो ये कि हिंदुस्तान भी 2000 साल पहले 5000 साल पहले एल्यूमिनियम बना सकता था क्योंकि एल्यूमिनियम का रॉ मटेरियल इस देश में भरपूर मात्रा में है। बॉक्साइट, हिंदुस्तान में बॉक्साइट के खजाने भरे पड़े हैं। कर्नाटक बहुत बड़ा भंडार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश बॉक्साइट के बड़े भंडार हैं। हम भी बना सकते थे, अगर बॉक्साइट है तो एल्यूमिनियम बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हमने नहीं बनाया क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी। हमको जरूरत थी मिट्टी की हांडी की, इसलिए हमने मिट्टी की हांडी बनाई और उसी पर सारे रिसर्च और एक्सपेरिमेंट किए। इसलिए कुम्हारों की एक पूरी की पूरी जमात इस देश में खड़ी की गई कि तुमको भैया मिट्टी के ही बर्तन बनाने हैं, माने तुमसे बड़ा वैज्ञानिक कौन।